वेलकम टू पावर प्लांट गुरु जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसमें रोनिंग का समय में एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट होता है, उस एक्सियल थ्रस्ट को कैसे बैलेंस किया जाता है, क्योंकि बॉयलर फीड पंप एक मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो जब बॉयलर फीड पंप ऑपरेशन में रहता है तो उसमें एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट होता है, तो उस एक्सियल थ्रस्ट को कैसे बैलेंस किया जाता है और बॉयलर फीड पंप में जो बैलेंस लीकअप लाइन है उसका बेसिक प्रपोज क्या है, और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें क्यों एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट होता है, ये सारे चीज़ इस वीडियो में हम लोगों कवर करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते। तो पहले हम लोग जानेंगे एक मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फिगर बनाया हूँ एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का, जिसका सक्शन ये है और डिस्चार्ज ये है। तो बॉयलर फीड पंप एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो उसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि बॉयलर फीड पंप में कैसे एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट होता है। तो मान लीजिए मैं एक 100 मेगावाट का पावर प्लांट का कंसीडर कर रहा हूँ, जिसका जो बॉयलर फीड पंप है एक सिंगल बॉयलर फीड पंप, जिसका सक्शन में करीब 7 to 8 केजी पर सीएम स्क्वायर सक्शन प्रेशर होता है और डिस्चार्ज प्रेशर 130 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है और वो 10 स्टेजेस रहता है। जो स्टेजेस, ये जो इंपेलर है ये नंबर ऑफ स्टेजेस है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 3 स्टेज लिया हूँ। तो पहले क्या होगा ना, ये जो बॉयलर फीड पंप उसका सक्शन में 8 केजी वाटर को सक करेगा, तो इसका पहला जो इंपेलर है उसका सक्शन में 8 केजी इनलेट प्रेशर रहेगा और आउटलेट में मान लीजिए 20 केजी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 केजी, ये 8 केजी ये 20 केजी। तो इंपेलर हम लोगों जानते हैं इंपेलर में क्या होता है ना, इंपेलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है जिससे आपका जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज होता है, और ये इसका जो पेरिफेरी है वहाँ पे जाके टकराता है और इसका पेरिफेरी में आपका डिफ्यूजर लगा रहता है। डिफ्यूजर का क्या काम है ना, ये वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये है, ये हो गया इंपेलर, ये हो गया इंपेलर, ये है आपका डिफ्यूजर। ओके, डिफ्यूजर। तो इसका आउटलेट में, ये स्टेज का आउटलेट में 20 केजी पर सीएम स्क्वायर है। तो हम लोग को जानते हैं प्रेशर हायर साइड से लोअर साइड को क्या होता है, फ्लो होता है। ओके, तभी क्या होगा ना, इस साइड में 8 केजी है, इस साइड में 20 केजी है, तो ये हायर साइड लोअर साइड को जाने के लिए ट्राई करेगा, तो इस साइड में क्या होगा ना, ये एक बैक प्रेशर क्रिएट करेगा। ओके, ये 20 केजी, ये जो इंपेलर है सेकंड स्टेज जो है उसका हो गया इनलेट, अब मान लीजिए उसका आउटलेट में 40 केजी हो रहा है, तो ये भी हायर प्रेशर है, तो ये क्या करेगा ना, ये भी शिप ट्राई करेगा कि ये जो इंपेलर है उसको इस साइड तरफ धकेलने के लिए। ओके, मतलब कि लेफ्ट साइड तरफ
तरफ ढकेलने के लिए। तो ये सारे जो स्टेजेस है इंपेलर का, ये सारे ट्राई करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट तरफ आपका लोअर प्रेशर है और राइट तरफ आपका हायर प्रेशर है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर को ये लोग ट्राई करेंगे पुश करने के लिए इस शाफ्ट को। तो ये जो फेनोमिनन है इसको एक्सियल शिफ्ट बोलते हैं। तो इस एक्सियल शिफ्ट को बैलेंस करने के लिए ये बॉयलर फीड पंप में एक अरेंजमेंट किया जाता है। उस अरेंजमेंट में आपका बैलेंस लीक ऑफ लाइन जो है वो इंक्लूड रहता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्सियल शिफ्ट को, एक बॉयलर फीड पंप का एक्सियल शिफ्ट को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो एक सेंट्रिफ्यूगल पंप में जो एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट होता है उसको तीन ठो चीज़ के माध्यम से बैलेंस किया जाता है। क्या? एक है, नंबर वन में है थ्रस्ट बेरिंग यूज़ करके, नंबर टू में जो इंपेलर है उसको अरेंजमेंट करके बैक टू बैक, नंबर थ्री में बैलेंस पिस्टन या बैलेंस ड्रम को यूज़ करके जो एक्सियल शिफ्ट हो रहा है मल्टी स्टेज सेंट्रिफ्यूगल पंप में उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी होता है, यानी कि थ्रस्ट बेरिंग, बैलेंस पिस्टन और बैलेंस डिस्क, ये कॉम्बिनेशन भी यूज होता है। क्योंकि थ्रस्ट बेरिंग अकेले इतना थ्रस्ट को सह पाना पॉसिबल नहीं है, तो जो रेसिडुअल थ्रस्ट रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है थ्रस्ट बेरिंग। कैसे, हम लोग आगे में समझेंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। कि ये एक मल्टी स्टेज सेंट्रिफ्यूगल पंप का फाइनल स्टेज है या लास्ट स्टेज। यहाँ से एक टेपिंग लिया गया है, इसको बोलते हैं जो बैलेंस इंटरमीडिएट चैम्बर। ये जो जो रेड जो है इसको बोलते हैं बैलेंस इंटरमीडिएट चैम्बर। ये है ये पर्सन, ये इतना पर्सन जो है ये हो गया बैलेंस पिस्टन, और यहाँ से इतना तक ये जो बनाया हूँ मैं ये हो गया बैलेंस डिक्स। ओके, ये है बैलेंस सीट। ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ये बैलेंस सीट है, जो जनरली जो पंप का केसिंग है उसमें ये अटैचमेंट रहता है। और ये जो है ये शाफ्ट का पर में लगा रहता है जो बैलेंस पिस्टन और बैलेंस डिस्क, इसीलिए ये मूवेबल है। ये जो गैप है, ये दोनों का गैप, मतलब कि बैलेंस डिस्क और बैलेंस सीट, ये दोनों का बीच में एक गैप है। उस गैप का मेन काम रहता है जो शाफ्ट है उसको बैलेंस करने का है। तो कैसे बैलेंस होता है हम आगे जानेंगे। तो अभी थोड़ा मैं बता देता हूँ। अभी क्या है ना, ये जो है आपका फ्लूइड फ्लो, यानी कि जो वाटर पंपिंग हो रहा है हाई प्रेशर में फाइनल स्टेज में, ये यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। उस डिस्चार्ज लाइन से एक टैपिंग यहाँ आया है हाई प्रेशर। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 130 केजी पर सीएम स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 130 केजी पर सीएम स्क्वायर प्रेशर आएगा। इस साइड में
आपका लोअर प्रेशर है, ये जो गैप है इस साइड में एक बैलेंस लिकअप चैम्बर है जहाँ पे आपका लोअर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे थ्रॉटलिंग इफेक्ट होता है। कैसे होता है आगे हम लोग जानेंगे। तो बेसिक आइडिया मैं इसका ऊपर दे दिया कि ये जो था ये बैलेंस पिस्टन, ये बैलेंस डिस्क, ये बैलेंस सीट, या कोई कोई इसको क्या बोलते हैं कि जो थ्रॉटल स्लिप भी बोलते हैं इसको, ओके। और ये जो है ये बैलेंस लिकअप का लाइन है। अब यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ बैलेंस लिकअप चैम्बर जो है वहाँ पे एंडिंग होता है। और ये एफ पी जो है ये जो बैलेंस पिस्टन है उसका फोर्स है, और ये एफ डी जो है ये बैलेंस डिस्क का फोर्स है, और ये एफ आई एम पी जो इम्पेलर का फोर्स है उसका है। तो चलिए अभी आगे जानते हैं कि कैसे बैलेंस होता है। अभी हम लोग जानेंगे एक बॉयलर फीड पंप में जो एक्सियल थ्रस्ट क्रिएट होता है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताया कि ये बैलेंस डिस्क है और ये बैलेंस सीट है और ये दोनों का बीच में गैप है। तो इसको इजीली समझने के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ, ये बैलेंस डिस्क है और ये बैलेंस सीट है जो कि फिक्स है बॉयलर फीड पंप का जो केसिंग है उसके साथ में, ओके। तो मूवेबल कौन है, बैलेंस डिस्क है जो कि शाफ्ट में मूविंग कर रहा है। जब इंपेलर का लोडिंग बढ़ेगा तो इंपेलर क्या करेगा ना, इस साइड सक्शन तरफ, मान लीजिए ये इंपेलर है, ये इंपेलर यहाँ डिस्चार्ज कर रहा है, तो इस साइड उसका सक्शन तरफ क्या होगा ना, ये शिफ्टिंग करने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि उसका सक्शन तरफ लोअर प्रेशर रहता है। तो उस समय क्या होगा, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे मैं दर्शाया हूँ, उस समय क्या होगा ना, ये बैलेंस डिस्क जो है वो भी इंपेलर जिस शाफ्ट में माउंटिंग है वो भी माउंटिंग है। तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये जो बैलेंस डिस्क है ये भी इस तरफ आने के लिए ट्राई करेगा, इस तरफ जिस तरफ इंपेलर मूव करने के लिए ट्राई कर रहा है उस साइड। तो ये दोनों का बीच में जो गैप है, जो बैलेंस सीट और बैलेंस डिस्क, वो गैप क्या होगा ना, कम हो जाएगा। कम होने से ये जो गैप यहाँ पे मैं जो रेड जो किया हूँ, कम होने से क्या होगा ना, जो वाटर फ्लो हो रहा था ये गैप दे के वो कम हो जाएगा। कम होने से यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट चैम्बर है यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होना चालू करेगा। ये जो डिस्क है उसका ऊपर में ये चैम्बर है, तो यहाँ पे प्रेशर होने से ये क्या करेगा ना, जो बैलेंस डिस्क है उसको आगे की ओर मूव कराएगा, क्योंकि यहाँ जो फ्लो हो रहा था, फ्लो कम होने के कारण यहाँ पे जो बैलेंस लिकअप चैम्बर है वहाँ पे प्रेशर लोअर हो जाएगा। तो इसीलिए ये ट्राई करेगा इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो इसको इजीली समझने के लिए यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ। देखिए ये गैप डिक्रीज क्या होगा, गैप डिक्रीज होने से लीकेज डिक्रीज होगा, लीकेज डिक्रीज होने से क्या होगा ना, जो ये जो इंटरमीडिएट चैम्बर है बैलेंस चैम्बर वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने से जो बैलेंस डिस्क का ऊपर लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने से क्या होगा ना, ये इस तरफ मूव कराएगा, जिससे
इम्पेलर इस तरफ और ये इस तरफ, तो दोनों का जो बैलेंस जो फोर्स है वो बैलेंस हो के शाफ्ट जो है स्टेबल रहेगा। ओके, तो ये हो गया जब ये गैप डिक्रीज होगा। तभी दूसरा कंडीशन देखेंगे, जब ये गैप इंक्रीज होगा तब क्या होगा। तो अभी हम लोग कुछ जानेंगे ये जो गैप है बैलेंस शीट और बैलेंस डिस्क का बीच में, यदि वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा। अरे ज़्यादा कब होता है न, जब इंपेलर का ऊपर लोड कम होगा तो इंपेलर ये जो लेफ्ट साइड मूव कर रहा था सक्शन साइड वो और मूव नहीं करेगा तो क्या होगा न, जो बैलेंस डिस्क है वो और ये बैलेंस शीट ये दोनों का बीच में गैप क्या होगा न, बढ़ना चालू होगा। जिससे क्या होगा, यहाँ पे मैं बताया हूँ, ये जो वाटर जो जा रहा है ये गैप ज़्यादा होने से क्या होगा न, ज़्यादा अमाउंट का बैलेंस लीकअप चैम्बर को जाएगा। जाने से क्या होगा, जो प्रेशर है इंटरमीडिएट चैम्बर, ये जो इंटरमीडिएट चैम्बर है बैलेंस चैम्बर है उसमें प्रेशर क्या होगा न, कम होगा, क्योंकि ये गैप जो ये जो ओपनिंग है ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा न, यहाँ पे इतना प्रेशर रहेगा नहीं, तो क्या होगा, डिक्रीज लोड ऑन डिस्क। ये जो डिस्क है वो डिस्क का ऊपर लोड भी इतना नहीं रहेगा। तो क्या होगा न, जो इंपेलर का फोर्स है और बैलेंस डिस्क का फोर्स है वो बैलेंस होगा, जिसके कारण जो एक्सियल शिफ्ट हो रहा था वो नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगा। और जो रेसिडुअल एक्सियल शिफ्ट रह गया उसको जो थ्रस्ट बेयरिंग लगता है यहाँ पे वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये था एक बेसिक फंक्शन बैलेंस लीकअप का एक मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद एक बॉयलर फीड पंप में जो बैलेंस लीकअप लाइन है और जो एक्सेल शिफ्ट को कैसे बैलेंसिंग किया जाता है उसका ऊपर में आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। यदि ये वाला वीडियो आपका अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय।